हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोगों को स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12th का थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बुक एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.1। हम लोग एक्सरसाइज 11.1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका देखते हैं 20 प्रश्नावली, क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग 19 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना कि एक बिंदु से जाने वाली रेखा, एक रेखा है जो बिंदु से ना 1, 2 और -4 से जा रहा है और एक जाने वाले रेखे, दोनों रेखाओं ए रेखा दिया हुआ, रेखा L1 और रेखा L1 और रेखा L2 और ये ना रेखा L1 L2 है और ये रेखा L1 है। जरा L1 और L2 पर लंब हो, लंब रेखा का सदिश समीकरण याद, मतलब ए रेखा L1 ये ना यहाँ पे आगे खींच दे, ये भी आगे खींच दे, तो ये ना दोनों रेखा का समीकरण दिया हुआ और करा ना ये दोनों रेखा इस रेखा पर लंब है, तब इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा L1 का समीकरण दिया हुआ, यहाँ लिख लीजिए रेखा L1 का समीकरण। तो रेखा L1 का समीकरण क्या दिया हुआ, तो x -8/3 और y+19/-16 और ना z -10/7। तो इसका लिख दीजिए रेखा L1, रेखा L1 का ना डायरेक्शन रेशियो ज्ञात कर लीजिए। रेखा L1 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 3 -16 और 7। फिर मान लिख लेंगे यहाँ पे रेखा L2 का समीकरण। तो रेखा L2 का समीकरण, तो रेखा L2 का समीकरण क्या ना a गिवन है x -15/3 और y -29/8 और z -5/-5। तो लिख लेंगे रेखा L2 का डायरेक्शन रेशियो क्या, 3 और 8 -5। अब हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना रेखा L का डायरेक्शन रेशियो, रेखा L का डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए AB और C। तो ये ना ये रेखा का, अगर हमें इस रेखा का क्या ना समीकरण चाहिए, तो इस रेखा का ना समीकरण हमें चाहिए, तो क्या ना बिंदु पता होना चाहिए और डायरेक्शन रेशियो। तो इसका डायरेक्शन रेशियो नहीं मालूम, तो डायरेक्शन रेशियो मान लिए ABC और यह रेखा इस रेखा पर लंब है, तो इसको ना हम लोग और ये कह ले। अब यहाँ पे लिख लेते हैं रेखा रेखा L1 परपेंडिकुलर है किस पे, L पर, रेखा L पर, तो परपेंडिकुलर, तो इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बराबर क्या होता है ना 0। तो A1 A1 इसमें क्या ना फर्स्ट रेखा का डायरेक्शन रेशियो 3 है और A2 A2 क्या ना A प्लस B1 B1 क्या जाए माइनस में 16 और B2 क्या हो जाएगा, B2 आपका दिया हुआ है B, C1 7, तो C2 क्या ना C इक्वल टू 0। तो 3A -16B और प्लस में 7C इक्वल टू 0। अब A लिख लीजिए ना यहाँ पे रेखा L2 परपेंडिकुलर किस पे, L पर, रेखा L2 परपेंडिकुलर है रेखा L पर, तो ये ना L2 और L1 ये रेखा L2 पर भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0 होगा। तो ये ना 3A, तो क्या मिल जाएगा 3A और प्लस में और 8B और माइनस में 5C और माइनस 5C बराबर 0। समीकरण सेकंड ना, तो ये ना समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकंड, तो ये दोनों रेखा के परपेंडिकुलर था, तो दोनों को डायरेक्शन रेशियो मल्टीप्लिकेशन किए, समीकरण फर्स्ट निकाल लिए, इसके डायरेक्शन रेशियो इसके डायरेक्शन मल्टीप्लिकेशन किए, समीकरण सेकंड निकल गया। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर था। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे क्या ना रेखा L1 का डायरेक्शन रेशियो, तो इसको ना रफ कह लेते हैं और ए रफ कह लेते हैं। तो ये ना लिख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट में क्या गिवन है 3A और माइनस में 16B और प्लस में 7C बराबर 0 फर्स्ट। सेकेंड में क्या गिवन है 3A प्लस 8B और माइनस 5C 0 सेकेंड। और अब चल दीजिए बाई,
क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड में हम लोग जानते हैं ए ए लिख देंगे और ए ए लिख लिए। अब इसके बाद ना यहाँ पे लिखते हैं माइनस में 16 8 और यहाँ 7 -5, 7 -5 बी, बी में क्या ना 7 -5 3 3 3 3 और सी और 3 3 3 3, फिर क्या ना माइनस में 16 और 8 ए ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको रफ कह लेते हैं। अब इसको ना सॉल्व कह लो, तो सॉल्व कह लेंगे ए बटा में तो 16 5 80, तो माइनस में क्या हो जाएगा ना 80 और माइनस आई हो जाएगा 8 7 56 और बी बी यहाँ पे गुना कर देंगे 7 3 21 और -5 3 15 तो +15 और ए सी 8 3 24 और -16 3 48 माइनस माइनस प्लस 48 तो ए इसको जोड़ेंगे तो 6 8 5 और 13 तो 13 आ जाएगा 126 आ जाएगा 36 और ना बी यहाँ पे करेंगे तो 6 और 36 आ जाएगा सी 8 4 12 6 6 1 7 72 आ जाएगा। तो ना लिख लीजिए ना रेखा एल का डायरेक्शन रेशियो, तो रेखा एल का डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया ना 136 माइनस में 136 -36 और 72 तो ए प्लस में 36 सॉरी। तो ये ना रेखा एल का इसका डायरेक्शन रेशियो मिल गया और इसका ना और ये ना मिल गया यहाँ पे क्या ना बिंदु मिल गया। इस डायरेक्शन रेशियो को ना वेक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए, तो वेक्टर के फॉर्म में ना तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा ना 136 i और प्लस में 36 j और प्लस में 72 k और ए लिख ले। ए क्या ना हम लोग लिख लिए इसको ना वेक्टर के फॉर्म में लिख दिए, और एक बिंदु को भी ना हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या आई और 2 j और माइनस में 4 k, ये वेक्टर के फॉर्म में लिख दिए। जब रेखा एल का बिंदु और डायरेक्शन रेशियो पता हो मतलब समांतर सदिश पता हो तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसको रफ कह लेते हैं। तो अब निकाल लीजिए ना रेखा एल का समीकरण, तो रेखा एल का समीकरण क्या हो जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस में लैम्डा वेक्टर बी। तो वेक्टर आर वेक्टर ए क्या है आई प्लस में 2 j और माइनस में 4 k और प्लस में लैम्डा। वेक्टर बी क्या माइनस में 136 i और प्लस में 36 j अब प्लस में 72 k और ए मिल गया रेखा एल का क्या समीकरण। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 21। 21 में क्या करना है कि यदि समतल के अंतःखंड, ये दिया हुआ ना समतल का अंतःखंड, तो अंतःखंड दिया हुआ ए बी सी और मूल बिंदु से ना मूल बिंदु से दूरी पी है, मतलब एक प्लेन है और ये ना एक प्लेन है ना प्लेन है और ये जो प्लेन है और ये ना मूल बिंदु 0 0 0 मूल बिंदु से प्लेन के बीच की दूरी क्या ना पी है और ये ना पी है, तब इस प्लेन का ना समीकरण और ए प्लेन का समीकरण हम लोग याद कर लेंगे और तब करा सीध कीजिए इतना होगा ए मतलब दूरी। तो यहाँ पे क्या ना इस प्लेन ये मान लीजिए ना पाई प्लेन है, तो ये ना अंतःखंड दिया हुआ समतल का अंतःखंड ए दिया हुआ, तब क्या ना हम लोग लिख लेंगे अब दूरी मूल बिंदु से प्लेन के बीच की दूरी है, तो लिख लीजिए समतल का समीकरण। समतल का समीकरण क्या होता है ना एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। तो अंतःखंड भी क्या ना ए बी सी ही है, तो समतल का समीकरण क्या ना यही रह जाएगा। और इस समतल का समीकरण मतलब इस समतल का समीकरण हम लोग को पता हो गया एक्स बाई ए वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू क्या ना 1। इस समतल का समीकरण पता हो गया। अब क्या करो ना इसको हम लोग तो इस समतल का समीकरण तो यहाँ पे लिख देंगे मूल बिंदु से ना ओपी बिंदु ओ से समतल के बीच का दूरी
बीच का दूरी कितना है? पी है, तो बीच का दूरी बराबर कितना ना पी, तो समतल और वो बिंदु ओ और समतल के मतलब प्लेन के बीच की दूरी क्या ना पी है, तो बिंदु और समतल के बीच की दूरी निकालेंगे। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या ना, और ए एक्स वन प्लस बी बाय वन प्लस सी जेड वन और प्लस में डी बटा में क्या होना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर में क्या ना ए ना पी आ जाएगा, ये दूरी। तो ये ना समीकरण देख लीजिए, समीकरण क्या ना ए दिया हुआ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी और माइनस में वन हो जाएगा और अंडर रूट क्या हो जाएगा ना यहाँ पे वन बटा ए का स्क्वायर वन बटा बी का स्क्वायर और वन बटा सी का स्क्वायर ए आ गया। और ना यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे और ना ए आ गया, तो ये ना मूल बिंदु ना कहाँ से, मूल बिंदु से, तो ये ना एक्स के जगह पे रख दीजिए जीरो बटा ए प्लस जीरो बटा बी प्लस जीरो बटा सी माइनस में बना, क्यों इस मूल बिंदु ये तो प्लेन रख देंगे, इस प्लेन किस बिंदु से दूरी ज्ञात करना, इस बिंदु से, एक बिंदु ना इस प्लेन में रख देंगे इस समीकरण में एक्स वाई के जगह पे रख दिए और इसको ना सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या ना वन बटा ए स्क्वायर आ जाएगा वन बटा बी स्क्वायर आ जाएगा और वन बटा सी स्क्वायर आ जाएगा और बराबर में क्या ना पी बराबर में, अब पी बराबर में पी ये हो गया। अब इसको ना रफ कह लेते हैं और ए रफ कह लिए, अब इसको सॉल्व करते हैं क्या ना जीरो आ जाएगा सब, अब माइनस वन बच जाएगा माइनस वन अंडर रूट क्या आ जाएगा ना कि वन बटा ए स्क्वायर वन बटा बी स्क्वायर वन बटा सी स्क्वायर ए मिल बच गया, बराबर में क्या बच गया यहाँ पे पी और पी। अब मॉड कारण नेगेटिव को क्या करना पड़ जाएगा पॉजिटिव में, तो अंडर रूट हो जाएगा वन बटा ए स्क्वायर वन बटा बी स्क्वायर वन बटा सी स्क्वायर बराबर पी, तिरछा तिरछी गुना कर दे तो वन बराबर में पी अंडर रूट वन बटा ए स्क्वायर वन बटा बी स्क्वायर वन बटा सी स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या ना स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या जो ना वन स्क्वायर ए क्या मिल जाएगा, या पी को नीचे लिया तो वन बटा पी तो वन बटा ए स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट वन प्लस बी स्क्वायर प्लस में वन बटा सी स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क करने पे दोनों तरफ वर्क करेंगे तो वन बटा पी स्क्वायर ए स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो वन बटा ए स्क्वायर वन बटा बी स्क्वायर और वन बटा में सी स्क्वायर यही हो गया आंसर, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था ना, ये हो गया प्रूफ। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लेना, अब देखते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 22। 22 में क्या करना कि ये दो समतलों और इतना के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो लिख लीजिए ना पाई वन प्लेन का समीकरण, तो पाई वन प्लेन का समीकरण क्या ना दिया हुआ टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस में फोर जेड बराबर में फोर। अब लिख दीजिए ना पाई टू प्लेन का समीकरण, पाई टू प्लेन का समीकरण क्या ना फोर एक्स प्लस में सिक्स बाई प्लस में एट जेड और इक्वल टू ना 12 दिया हुआ। इसमें देखे तो दो कॉमन है, दो कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा टू एक्स थ्री बाई प्लस में फोर जेड बराबर में 12 और ए ना कट कर दो, तो कट कर देंगे तो टू एक्स प्लस में थ्री बाई प्लस में फोर जेड बराबर में सिक्स ये ना मिल गया। ये देख रहे ना पाई वन प्लेन पैरेलल है किसके, पाई टू प्लेन के, पाई टू प्लेन के, तो ना पाई वन प्लेन जो पाई वन प्लेन में है वही क्या ना पाई टू प्लेन में, तो दोनों प्लेन क्या ना परपेंडिकुलर है, तो ना दोनों प्लेन के बीच जब दो प्लेन परपेंडिकुलर पैरेलल हो तो दो प्लेन के बीच की दूरी क्या होता है ना फॉर्मूला होता है सी वन माइनस सी टू और बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है, तो ये ना सी वन, सी वन क्या ना सिक्स ले लो और माइनस में सी टू ना फोर और बटा में अंडर रूट क्या होता है दो का स्क्वायर चार तीन का स्क्वायर नौ और सोलह का स्क्वायर चार का स्क्वायर सोलह, इसको घटा लेंगे तो दो बटा अंडर रूट इसको जोड़ो जोड़ेंगे तो ना पच्चीस पच्चीस चार उनतीस, इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा डी।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 23। 23 में क्या करा ना कि समतल इतना और इतना करा, परस्पर संलंब है या समांतर है या ए दिया हुआ ए करा है। 13 समतल लिख दो ना, यहाँ पे पाई वन प्लेन ए लिख दीजिए, पाई वन प्लेन 2x - y + में 4z = 5 और पाई टू प्लेन लिख दो, पाई वन प्लेन का ना डायरेक्शन रेशियो लिख दो। तो ये ना डायरेक्शन रेशियो दिया और 2 - 1 4 और पाई टू प्लेन का ना डायरेक्शन रेशियो लिख दीजिए, पाई टू प्लेन का ना समीकरण। पाई टू प्लेन क्या गिवन है, 5x - 2.5y और प्लस में 10z = 6 और ए दिया हो। अब इसका ना डायरेक्शन रेशियो लिख दीजिए, तो 5 - 2.5 और 10 ए लिख दे। और ये दोनों प्लेन क्या ना और करण एक कैसा आता है, यहाँ पे A1 / A2 कर दीजिए, B1 / B2, C1 / C2। तो A2 A1 क्या ना 5 और A2 क्या ना 2, या A1 2 और A2 ना 5, B1 - 1 B2 ले लो -2.5, C1 क्या ना 4 और बटा में 10। अब इसको सॉल्व पहले एक कर देगा तो 1.2.5 आ जाएगा, माइनस माइनस कटेगा तो 2.5 आ जाएगा, और इसको भी कट करेंगे तो क्या आएगा ना 1/2.5। सब क्या ना रेशियो इक्वल आया, रेशियो इक्वल आया तो क्या ना ए समानांतर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी।